स्टार्ट करा स्टार्ट करा फिर माथे का निशान आ रहा है तो साफ साफ लगता है स्टार्ट करा नहीं करा बल्लो बाल आ रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो हमारी आज सुबह हो रही जम्मू में और ये सब तामझाम देखो यहाँ पे और तामझाम दिखाओ ना मैं छोड़ ये सब शाम का है और हम यहाँ से हम निकल रहे हैं सुबह के बज रहे हैं 6 और निकलते निकलते 7 बज जाएंगे या 7 से 8 बज सकते हैं और हमारी कोशिश है कि हम सीधे लेह जाएँ अब और आज की रात लेह में रुके और ब्लॉग की मैं बात करूँ तो ब्लॉग में जितना बिहाइंड द कैमरा होता है और जो लोग नहीं दिखाते हैं 90% यूट्यूबर 99% यूट्यूबर नहीं दिखाते हो वो हम सारा दिखाने वाले हैं तो कैमरे के पीछे कितनी दारू पी रहे हैं लोग कैसे रह रहे हैं कैसी लाइफ स्टाइल है कैसे खा रहे हैं खा के कैसे फेंक रहे हैं ये सब दिखाने वाले हैं। और कॉमनली क्या होता है आजकल कि लोग क्या करते हैं जेब में भले फटे रुमाल नहीं है लेकिन कैमरे के सामने टाई लगा के आते हैं और किराए की गाड़ियाँ लेके तो रौला घट ही गया है। बाकी मिलते हैं आगे बने रहो ब्लॉग में। तो गाइस ये है हमारा बुलेरा सिलेंडर और ये हमारा छोटा चूल्हा इंडक्शन काम नहीं कर रहा बहुत समय चल रहा है और सुबह का नाश्ता मैं रेडी करता हूँ। नाश्ता क्या है दाल बना रहा हूँ आइए देखिए ये घर वाला कैसे चूल्हा होता ना दिखने में छोटा है उससे तेज जलता है कई गुना प्रेम है की है की जब प्रेम 10 मिनट में हो रहे हैं अभी दस मिनट रेडी हो जाएगा गाइस तब तक दाल बन रही है तब तक देखते क्या होता है आगे। सॉरी एक सनीचर यहाँ सो रहा है दो सनीचर सो रहे हैं उठने का नाम ही नहीं ओए उठो उठो यार 10 बज गए लेट हो जाएंगे लेट। तो गाइस फिलहाल में यहाँ से निकल रहे हैं जम्मू से और यहाँ की तैयारी हो गई है पूरी और ये बिल्कुल जगह जगह व्यू आ रहा है यहाँ का। सौरभ भाई थोड़ा सा खाना खा रहे हैं बस सुबह सुबह का सुबह ही सुबह दाल चावल चलता है भाई भाई अपने मजे ले रहे हैं ये भाई मूत पी रहे हैं सॉरी पानी रहे हैं। और कहाँ सब चलो निकलो यहाँ से यहाँ फटाफट फटाफट निकल रहे हैं गाइस अब हम मिलते हैं लेह ठीक है। एक बार जर्नी के बारे में बता दूं अगर आप चंडीगढ़ चलते हो और लद्दाख जाना है आपको तो आप चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर श्रीनगर लद्दाख लेह लद्दाख इसके बाद मनाली होकर निकलना और आप मनाली होकर ही आओगे तो आपके लिए सही रहेगा क्योंकि उधर के रोड ख़राब हैं और हो सकता है आपके जर्नी शुरू में ही ख़राब हो जाए। तो भाई यहाँ से निकल रहे हैं देखो तो बैग है एक और एक बैग ये और एक पेटी है ये तो भाई की पेटी है खेतों में पड़ती है ठीक है। अब इसका राज क्या है क्यों पेटी लेके आए हैं वो हम किसी पहाड़ पे बैठ के आराम से एक्सप्लोर करेंगे इसको कि इसकी जगह बैग लेके क्यों नहीं आए पेटी लेके क्यों आए। चल आजा आजा हाइट बहुत है इसकी हाइट बहुत है यार तुम्हारा बहुत ऊंचाई है इस पे कार चढ़ती है कोई और शायद कार चढ़ती है इसके ऊपर चढ़ जाती है सही है हाँ बहुत ऊंचा है यार ये। चलो गाइस फिलहाल में तो जम्मू से निकल रहे हैं अब मिलते हैं रास्ते में कहीं पे कौन लोग चलेंगे क्यों नहीं एक तरफ इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनी है तो एक तरफ ये छप्पर पड़ा है सामने ये होता है भैया। तो यहाँ का होम स्टे बढ़िया रहा भाई जब भी आओ होम स्टे लो यहाँ पे होटल रूम्स मत लो मज़े लो पूरा एक बोर्ड से मिलेगा आपको और उसमें एंजॉय करो ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे हमें क्या लेना पड़ेगा। तो गाइस लोकेशन चेक करो कितनी शानदार लोकेशन है यहाँ पे रुकने का कारण सिर्फ एक ही है हमारी कार यहाँ खड़ी है 7 वाली कार में पंचर हो गया टायर अब वो पीछे पड़वा रहे हैं किसी और के फ़ोन से फ़ोन किया उन्होंने गाड़ी हमारे साथ थी लेकिन पीछे रह गई हमें ध्यान नहीं दिया तो हमें पता लगा गाड़ी में पंचर है क्योंकि प्रीपेड सिम काम नहीं करती भाई जब भी आओ पोस्ट पेड कनेक्शन लेके आना। वाह भाई ये मजे हैं ये हमारी दलिया में हमारे रामपुर में होता हम तो यहीं लेट रहे थे पूरे दिन ये पड़ेंगे रास्ते पर। गाइस कितना सुहाना मौसम है और कितना ही सुहाना यहाँ का व्यू है भाई बस मजे 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 आ जाओ लद्दाख आ जाओ फटाफट। तो गाइस हम आ गए फिलहाल में टनल पे
डॉक्टर श्यामा प्रसाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल घोसलो, इसमें एंट्री हो रही है हमारी, फटाफट ये एग्जिट हो गए यहाँ से, घुस गए। ये हमारा शीशा कितना गंदा आ रहा है गाइस। अब किसका दूर जाएगा कंपनी, चलिए देखते हैं, चल पार, थोड़ी पीछे से ही पार करियो भाई। गया अदृश्य हो गया भाई, ज्यादा लंबा फेंक दिया इनने, ज्यादा लंबा फेंक दिया तुमने, तू फेंक ही, जरा चपाते छूट लिया, तू फेंक ले, फेंकिए हजार हजार रुपए की है। ओफ जे 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 ए हेड देकर कहीं पे किसी भी भाई, जाम देख रहे हो, जाम कितना तगड़ा जाम है, कितना लंबा जाम है भाई। सोच के निकले थे जम्मू से कि हम सीधे ले जाएंगे, ले गाड़ी लगाएंगे, लेकिन ले तो छोड़ो, श्रीनगर नहीं पहुंच पा रहे हैं भाई, और शाम हो गई। अरे भैंस यहाँ भी बनती है, देखो भैंस बनती, भैंस हम कह रहे भैंस तो हमारे यहाँ बनती खाली, यहाँ भी भैंस है, देखो नीचे गाय भी है, भैंस भी है, और उसका बड्डा भी है। घर कहाँ लोगों के यार, यहाँ पता है कैसे है जंगल में, ये बड़ा खतरनाक होने वाला है भैया, लद्दाख का टूर तो लग रहा है। गाइस हमारी फीलिंग क्या कहती है बता है, वहाँ जाने के रास्ता हो, वो जहाँ आदमी घूम रहा है वहाँ कार खड़ी हो, वहीं अपने खाने बना रहे हो और वहीं दारू वारू पी रहे हो बैठ के आराम से, बियर वगैरह, और ये बराबर से पानी चल रहा हो, ये अपना सपना है। देखो कहाँ कौन सी लोकेशन पूरा होगा, देखते हैं, यहाँ तो बहुत ऊँचाई है, कर नहीं सकते हैं। तो गाइस श्रीनगर पहुंचने वाले हैं, 50 किलोमीटर रह गया, रोड चेक करो, रोड इतनी चौड़ी रोड भाई पहली बार देख रहे हैं, बीच में कोई डिवाइडर नहीं है, भैंस के टैन कैमरे में छोटी लग रही है, सच में तो बहुत ही चौड़ी रोड है, जहाँ भी घूमे हमें सिंगल रोड इतनी चौड़ी कहीं नहीं मिली है, सब हटिए इसके बीच में डिवाइडर हो, डिवाइडर ना हो, मतलब पूरी प्लेन भैंस क्लियर, कितनी वैसे तो 6 लेन है ये, 1 2 1 2 3 4 8 लेन, वैसे तो 8 लेन है लेकिन बीच में डिवाइडर ना होनी, वैसे इतनी चौड़ी लग रही बहुत ज़्यादा। रास्ते में कई जगह जाम मिला, फिलहाल में पहुंच गए, लेकिन रोड इधर का बढ़िया है, रोड जहाँ पे अच्छी है वहाँ बहुत अच्छी है, जहाँ खराब है कुछ जगह खराब है, काम चल रहा है अभी भी, हालत होगी टाइट। श्रीनगर मिस कर दिया हमने और बाहर बाहर गाड़ी ले ली और आ गए यहाँ पे सोनमार्ग। सोनमार्ग में भैया लिमिटेड होटल हैं, एक से एक लग्जरी है, एक से एक बेकार भी है, सभी तरह के हैं, लेकिन बढ़िया एरिया आई है, तो आज तो यहीं स्टे करने वाले, मजबूरी है क्योंकि आगे जा नहीं सकते, नाइट में एंट्री नहीं है उधर की तरफ, ठीक है, तभी बज रहा रात का 8, और ये यहाँ का एरिया है ऐसा, ये होटल टाइप के बने रखे हैं, और पीछे तो लग्जरी, सब लग्जरी एरिया पूरा, सब 5 स्टार 3 स्टार है, क्या करें आगे स्टे करें। तो गाइस मां चुटकी कारोबार की, हमने किसी से कैसे चूतिया, हमने कहा नहीं लेकिन किसी को बता दिया, फिलहाल में यहाँ आ रहे हैं भैया, ऐसा रूम मिला है लेकिन बाहर से देखने बहुत लग्जरी है, अंदर से पूरा प्लाई का है, क्योंकि पता क्यों है, सीलन नहीं आया, मतलब ठंडा ठंडा नहीं रह जाता ये, मतलब इसका टेम्परेचर मेंटेन है इसलिए लगाया सब कुछ, और वहाँ पे गर्मी थी ऐसे आ गए, लेकिन यहाँ आगे बहुत ठंडा आ रहा, टाइट हो गई है, अभी तो इसमें लेटते हैं कंबल में, सुबह भैया निकलते हैं क्योंकि अभी रास्ते सारे बंद हैं, बहुत मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचे भाई, सर्विस क्यूआर वेज मिलेगा। हाँ तो यहाँ की रंडी लीला यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।